हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। सो आज हम लोग बनाएंगे मटन कड़ी, पर ये हम लोग बनाएंगे वन शॉट में, वन गो में। सो जस्ट लाइक ओपोस कुकिंग, दैट इज़ वन पॉट वन शॉट कुकिंग, बट मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया हूँ। इसमें टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। तो इसके लिए जो लगेगा वो है ये जो मटन है ना, ये मटन पीस करके रखा हुआ है एंड इसको मैंने मैरिनेट करके रखा है। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ये चम्मच का दो चम्मच राई की ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एंड इसके साथ है अदरक, लहसुन, प्याज एंड टमाटर पेस्ट, एंड उसके साथ हरा चिली, हरा जो चिली होता है वो चिली पेस्ट करके मैंने उसका पेस्ट कुछ मैंने रख दिया है। ये पेस्ट अदरक लहसुन एंड प्याज एंड हरा चिली एंड टमाटर का पेस्ट कुछ रखा है एंड कुछ इसमें देके मैंने 45 मिनट्स मैरिनेट करके रखा है। दही थोड़ा, ये चम्मच का दो चम्मच राई की ऑयल और मस्टर्ड ऑयल एंड थोड़ा सा हल्दी के साथ, तो ये मैरिनेटेड है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आलू लगेगा, तो मैं अकॉर्डिंग टू जो क्वांटिटी है तो मैंने आलू रखा है कट के, एंड ये जो है प्याज का बेरस्ता, प्याज थोड़ा सा फ्राई करके तेल में फ्राई करके लाल बना के, रेड फ्राई करके मैं इसको थोड़ा सा दूध दे के मैंने थोड़ा सा पेस्ट कर लिया, एंड ये जो नॉर्मल बेरस्ता है, ये नॉर्मल बेरस्ता भी मेरे पास है। अच्छा, उसके बाद मेरा जो लगेगा ये है गरम मसाला। ये गरम मसाला आप इंस्टेंट जो बाज़ार में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें इसको घर में बनाया हूँ, सो ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ लगेगा नमक टेस्ट अनुसार, हल्दी तो मैंने मिला चुका हूँ। एंड अब मैं जो करूँगा वो मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगा, एंड ये प्रेशर कुकर में मैंने क्या किया, अभी मैं गैस पे चढ़ाया नहीं है प्रेशर कुकर को, जस्ट नॉर्मल है। ये देखिए, गैस पे चढ़ाया नहीं है प्रेशर कुकर को। इस प्रेशर कुकर में मैंने तेल डाला हूँ। सो आप ये प्रेशर कुकर जब ये आप लोग जब ये वन शॉट में कुकिंग करेंगे ना, तो ये प्रेशर कुकर ट्राई करना है, ये प्रेशर कुकर को जिसका बेस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा फैला हुआ है बेस, लंबाई में ज़्यादा है, ऐसा प्रेशर कुकर मत लीजिए। मैंने इसको ये प्रेशर पैन लिया हूँ, ये पीजीएन का प्रेशर पैन है। सो मैंने पीजीएन का प्रेशर पैन लिया हूँ, अच्छा है पीजीएन का प्रेशर पैन। आप कोई भी एक प्रेशर पैन भी ले सकते हैं, अगर हेवी बेस मॉडल ऑफ हॉकिंस प्रेशर कुकर भी है उसमें भी आप खाना बना सकते हैं, जिसका बेस थोड़ा सा फैला हुआ है उसमें ये टाइप का, ये ढंग का खाना बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, ये जो हरा मिर्च है, हरा मिर्च थोड़ा सा छील के दिया है एंड तेज पत्ता मैंने दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मटन जो है ना, मटन मैं स्टैक करके बिठाऊँगा। देखिए मैंने मटन को कैसे स्टक करके रखा है एंड बीच में तो अभी खाली है, तो ये बीच में मैं क्या करूँगा, ये आलू और सब मसाले डालूँगा। देखिए मैंने ये बीच में आलू भी डाल दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा जो स्मैश मसाला है ना, जो अदरक प्याज लहसुन एंड टमाटर एंड ग्रीन चिली का जो पेस्ट है, मैं ये पेस्ट ऊपर से मैं दे दूँगा ये आलू के बीच में। देखिए ऐसे मैं दे दूँगा, ये मैंने लिया, मैंने ऐसे डाल दिया, बस इस पेस्ट को मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो बेरस्ता है ये बेरस्ता को दे दूँगा एंड ये जो बेरस्ता पेस्ट है ये बेरस्ता पेस्ट को भी दे दूँगा। देखिए मैंने ये जो बेरस्ता पेस्ट है, बेरस्ता मैं सभी को दे दिया। अभी मैं क्या करूँगा, गरम मसाला जो है, गरम मसाला का जो पाउडर है, मैं पाउडर को भी स्प्रेड कर दूँगा। देखिए मैंने गरम मसाला पेस्ट को भी डाल दिया एंड इसमें नमक भी मैं स्वाद अनुसार डाल दिया, बाद में एक बार चेक कर लूँगा। अभी जो है मेरा सब मसाला दे चुका हूँ, तो ये जो कुछ मसाला बच चुका है ना, इसको मैंने पानी से थोड़ा सा धो के, ये जो फाइनल जो मैरिनेटेड मसाला है, ये मसाला इसी के साथ धो के मैं ये पानी इसमें डाल दूँगा। तो देखिए फाइनली ऐसे हो चुका है, तो मैं ये पूरा स्टैक करके मैं पूरा अरेंज करके रखा, तो मैं अभी ढक्कन बंद करूँगा एंड प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पे मैं लगाऊँगा एंड मैं हुई से लाऊँगा। सो देखिए मैंने इसको तेज़ आँच पे, ये जो बड़ा ओवन है ना, बिग ओवन है, इसमें मैंने बैठा दिया एंड मैं दो व्हिसल काउंट करूँगा, उसके बाद गैस को मीडियम से स्लो करके मैं और भी 6-7 मिनट कम करूँगा। देखिए फर्स्ट व्हिसल अभी आ रहा है,
अभी एक हुइसल ये हाई आंच पे हम लोग देंगे। सेकंड हुइसल आ रहा है, सो सेकंड हुइसल आने के बाद मैं ये गैस को, ये देखिए ये तेज आंच पे है, तो मैं ये आंच को मैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा मीडियम टू स्लो कर दिया, ऐसा कर दिया। तो अभी मैं ऐसे और भी तीन हुइसल गिनूंगा, उसके बाद मैं गैस बंद करूंगा। देखिए ये गैस मीडियम करके मेरा तीन हुसल हो गया, तो फिर से मैं ये गैस को तेज कर रहा हूँ, एंड तेज करने के बाद और भी दो हुसल मैं डालूंगा। दो हुसल डालने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगा एंड फुल प्रेशर रखूंगा, उसके बाद खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी ये तेज आंच पे और भी दो हुसल लगाऊंगा। देखिए मेरा दो हुइसल लग चुका है, तो अभी मैं गैस को बंद कर रहा हूँ एंड ये फुल प्रेशर में रख दूंगा। तो ठीक है, सो आई एम स्विचिंग ऑफ द गैस एंड आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स अंटिल एंड अनलेस द प्रेशर सबसाइड। ओके, सो देखिए इसका प्रेशर निकल चुका है, सो मैं ऐसे खोल दिया। सो अभी खोल के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सो देखिए ये कलर कैसा आया है, बहुत सुंदर आया है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिला के और एक बार बॉयल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक बार मैं गैस को ऑन कर लूँगा। सो देखिए मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया एंड मैं इसको तेज़ आंच पे बिठाया एंड ये जो ग्रेवी है मैं इसको थोड़ा सा सूखा लूँगा एंड टेस्ट भी कर लूँगा। तो मैं बाद में और एक बार आऊँगा इसको सुखाने के बाद। ये मैंने सूखा लिया एंड देखिए सूखाने के बाद ऐसा हुआ, बहुत स्वादिष्ट भी हुआ है एंड ये मटन थोड़ा सा गल भी गया है, ठीक ठाक है। अगर मटन आप लोगों को लगता है और भी थोड़ा सा आप लोग पकाना चाहते हैं और लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है, तो और एक दो हुइसल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ऐसे किया, अच्छा हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा गर्म मसाला घी अगेन डाल सकते हैं, पर मैंने डाला नहीं क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा आया। सो आप लोग ये ट्राई कीजिए एंड ये बहुत जल्द हो जाता है। नॉर्मल मटन प्रोसीड्योर में जितना टाइम लगता है वो उतना टाइम भी नहीं लगता, अगर पर स्वादिष्ट भी होता है एंड इसमें गैस का भी खर्चा कम होता है। सो इट्स वेरी सेविंग एक मेथड है एंड इको फ्रेंडली एक मेथड भी है। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।